पिछले वर्षों की भांति इस वर्ष भी धर्म जागरण विभाग ने दो दिवसीय कावड़ यात्रा निकाली। इस कावड़ यात्रा में हजारों शिव भक्त शामिल हुए। जगह जगह पर कावड़ियों का फूल मालाओं से स्वागत किया गया। ये कावड़ यात्रा मां नर्मदा के पवित्र धाम नेमावर से निकाली गई। बम बम भोले और जय भोले की गूंज के साथ शिव की भक्ति में मगन होकर कांवड़िये चल रहे थे। कांवड़ियों ने प्रसिद्ध गुप्तेश्वर मंदिर में जल चढ़ाकर इस यात्रा का समापन किया। धर्म जागरण नर्मदापुरम विभाग संयोजक श्याम जी शर्मा ने बताया कि विभाग द्वारा 17 वर्षों से कांवड़ यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। हिंदू समाज में समरसता एवं भगवान शिव की पूजा के उद्देश्य से 70 किलोमीटर लंबी दो दिवसीय कांवड़ यात्रा निकाली जाती है। इस बार भी हजारों कांवड़ियों द्वारा भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया गया। धर्म जागरण समन्वय विभाग द्वारा पिछले 17 वर्षों से निरंतर कांवड़ यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जो सामाजिक समरसता एवं धर्म रक्षा के भाव को बढ़ाने के उद्देश्य से ग्राम ग्राम के अंदर धर्म रक्षा समिति गठन कर किया जा रहा है। इस ये कांवड़ यात्रा नेमावर सिद्धनाथ घाट से सुबह 9 बजे माँ नर्मदा का पूजन कर जल भर कर और कांवड़िए हरदा की ओर प्रस्थान करते हैं। दोपहर में 2 बजे एक भव्य शोभा यात्रा का आयोजन रहता है। रात्रि में कांकरिया ग्राम के अंदर सभी कांवड़ यात्री मिलकर भोजन करते हैं एवं रात्रि विश्राम करते हैं और दूसरे रोज प्रातः पुनः यात्रा प्रारंभ होकर और गुप्तेश्वर मंदिर चारुआ पहुंचकर सभी शिव भक्त भगवान शिव का भगवान गुप्तेश्वर महादेव का जल से अभिषेक कर सामाजिक समरसता एवं धर्म रक्षा का संकल्प लेते हैं।